इसराइल हमास युद्ध में गाजा के साथ खड़े ईरान समर्थित हिजबुल्ला के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इधर इजरायली सेना लेबनान के भीतर हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले करती है, तो उधर हिजबुल्ला आईडीएफ पर ताबड़तोड़ रॉकेट और मिसाइलें बरसा देता है। दरअसल हिजबुल्ला का कहना है कि जब तक इजरायल गाजा में हमले बंद नहीं करता, तब तक वो अपने अटैक जारी रखेगा। और अब इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने एक बार फिर से इजरायली फोर्सेस पर एक ही बार में लगातार 3 अटैक किए हैं। ये हमले सिर्फ 5-5 मिनट के गैप के दौरान हुए। इनमें से सबसे पहला हमला हुनेन और कफार चौबा हिल्स में हुआ है। यहाँ पर हिजबुल्ला ने एक ही बार में 2 हमले किए हैं। हिजबुल्ला ने पहले ऑपरेशन में हुनेन कासल पर हमला किया है, जो इजरायली सेना का एक अहम ठिकाना था। हिजबुल्ला का दावा है कि उसने इस हमले में इजरायली सेना को सीधा नुकसान पहुंचाया है। वहीं दूसरे हमले में हिजबुल्ला के लड़ाकों ने रोशेत अल आलाम मिलिट्री साइट पर हमला किया है। ये जगह पहले हमले वाली जगह से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है, और इस हमले के सिर्फ 5 मिनट बाद ही हिजबुल्ला ने शेबा फार्म्स में जिब्दीन मिलिट्री साइट पर हमला कर दिया। और इस हमले के बाद 20 मार्च 2024 की शाम को हिजबुल्ला ने अलमर्ज मिलिट्री साइट पर गोला बारूद दागना शुरू कर दिया। ये इलाका हुनेन कासल से उत्तर में स्थित है। बड़ी बात यह है कि 8 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद से ही हिजबुल्ला इस जगह पर गोला बारूद दाग रहा है। आपको बता दें कि हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान की अलग अलग जगहों पर हमले किए हैं, और इन हमलों के जवाब में हिजबुल्ला के लड़ाकों ने इसी दिन 25 मिनट बाद 2 अलग अलग हमले किए। पहला हमला रात करीब 10:05 पर हुआ। यह हमला मेतुला सेटलमेंट पर किया गया, जहां पर इजरायली सैनिकों ने पोजीशन ले रखी थी, और इसके 25 मिनट बाद ही 10:30 पर हिजबुल्ला के लड़ाकों ने अवीविम सेटलमेंट में एक इमारत पर रॉकेट और गोला बारूद दाग दिया। हिजबुल्ला का कहना है कि इस बिल्डिंग में इजरायली सेना के जवान मौजूद थे। और इस हमले के बाद एक मिलिट्री मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि इजरायली सैनिकों का एक जत्था जो अल बगदादी सैन्य अड्डे की तरफ बढ़ रहा था, तभी हिजबुल्ला के लड़ाकों ने उन पर हमला कर दिया। और इसको लेकर अल मयादीन न्यूज एजेंसी का कहना है कि इजरायली मिलिट्री कमांड इन सैन्य अड्डों को दोबारा मजबूत करने में लगी हुई है। वो यहाँ पर जरूरी हथियार और जासूसी उपकरण लगा रही है, लेकिन 19 मार्च 2024 को हिजबुल्ला के लड़ाकों ने आईडीएफ की लॉजिस्टिक टीम पर हमला किया था, जिससे उसकी ये कोशिश नाकाम हो गई।